नमस्कार दोस्तों, एक तो आपसे इम्पोर्टेंट मैसेज मुझे लेना भी था और देना भी था कि काफ़ी सारे बंदों के जयपुर एयरपोर्ट से जो मेरे पास मैसेज आ रहे हैं क्वारंटाइन से रिलेटेड, कि मैंने एक पहले भी आपसे एक रिक्वेस्ट वीडियो डाला था और अभी मैं आप लोगों से पूछना ये चाहता हूँ कि जो लोग क्या राजस्थान जा रहे हैं उनके लिए क्वारंटाइन वाला क्या चक्कर चल रहा है अभी। वहीं से जिन्होंने कोरोना टेस्ट करवा के लेके गए हैं, 150 दराम 180 दराम खर्चा हुआ है, उनके पास भी अप्रूवल है एक्चुअल इंडिया एयर सुविधा की जो वेबसाइट आप सब लोगों को पता ही होगा, उनके बावजूद भी जयपुर के कुछ क्वारंटाइन अधिकारी हैं वो जबरदस्ती लोगों को क्वारंटाइन कर रहे हैं जयपुर में या फिर सीकर में, झुंझुनू में। तो आपसे मेरा क्वेश्चन यही था कि इनमें कितनी सच्चाई है। आपको अगर आपको थोड़ा बहुत जो इंडिया लोग पहुंचे हैं अभी कोरोना टेस्ट लेके, जो सीधे घर भी पहुंचे हैं काफ़ी सारे लोगों को ये क्वारंटाइन किया जा रहा है, तो ये माजरा क्या है मुझे हकीकत में समझ में नहीं आ रहा। एयर सुविधा जो वेबसाइट है उस पे लोगों ने अप्रूवल ले रखा है, उसके बावजूद भी लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है, तो ये माजरा थोड़ा सा समझ से परे है। आपको थोड़ा ये बताना कि जो लोग राजस्थान पहुंचे हैं जयपुर एयरपोर्ट पे, उसके बाद क्वारंटाइन भी हुए हैं, काफ़ी सारे लोग घर भी हो सकता है गए होंगे, तो जो लोग दुबई से आपने कोरोना टेस्ट रिपोर्ट लेके गए हैं, फिर आपने उनका अप्रूवल भी लिया है, एयर सुविधा नाम की वेबसाइट है, क्योंकि कल मेरे पास दो चार बंदों के मैसेज ही आए थे कि सर हमने अप्रूवल भी ले चुके हैं दिल्ली, जो एयर सुविधा नाम की जो वेबसाइट है वहाँ से अप्रूवल भी ले चुके हैं, उनके बावजूद भी हमें क्वारंटाइन ज़बरदस्ती कर दिया गया कि ये वेबसाइट नहीं है, वो वेबसाइट दूसरी है, तो ये माजरा क्या है थोड़ा सा। आप अगर आपको कोई बंदे अगर घर पहुँचे तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सजेशन दे ताकि हम लोगों को ये बात बता सकें, क्योंकि बता दूँ बहुत सारे लोग हैं वो बेचारे मेडिकल यहाँ से करवा के लेके गए हैं, वहाँ अप्रूवल भी ले लिया, उनके बावजूद भी उनको ज़बरदस्ती क्वारंटाइन किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हो सकता है ये पैसा कमाने का भी एक जरिया हो सकता है, क्योंकि 2400 रुपये पर कैंडिडेट का इनको खर्चा मिलता है क्वारंटाइन के नाम से, और आपको पता है सुविधा के नाम पर क्या मिलती है, कितना खर्चा होता है सब लोगों को पता ही है, तो प्लीज़ आप थोड़ा अपडेट करें कि ये माजरा क्या है। क्योंकि जो एयर सुविधा के नाम से जो वेबसाइट सरकार की तरफ से बताई गई है, ये बोलते हैं कि ये वेबसाइट वो नहीं है, वो दूसरी वेबसाइट है, तो अगर किसी ने उस वेबसाइट पे अप्रूवल मिला हो, फिर आपने जयपुर पे वो अप्रूवल दिखाया होगा, फिर आपको घर जाने दिया होगा, तो क्या है अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो प्लीज़ थोड़ा सा हमें इन्फॉर्म करें ताकि हम वो बात लोगों के सामने रख सकें, क्योंकि जब एक तरीके से सभी लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है जो दुबई से लोग जा रहे हैं। ये थी कि जो लोग नए हैं जो दुबई से या कोई भी कंट्री से आप जयपुर राजस्थान एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं, आपको ज़बरदस्ती क्वारंटाइन किया जा रहा है, आपके पास मेडिकल किया हुआ है, जैसे दुबई से आप किसी भी कंट्री से मेडिकल रिपोर्ट लेके आते हैं, उसके बाद वो बहाना बनाते हैं कि ये अप्रूव्ड आपका नहीं है, स्टेटस अप्रूव्ड नहीं है, उसके बाद अप्रूव्ड भी काफ़ी सारे लोगों के पास होता है, उसके बावजूद भी इसको बोलते हैं कि ये वेबसाइट नकली है, दूसरी वेबसाइट है जो सरकार ने जारी की है, तो एयर सुविधा के नाम से है। अगर आपके पास इसके बारे में कोई सजेशन हो तो मुझे व्हाट्सअप नंबर पे आप व्हाट्सअप करें ताकि इस मैटर का हम भंडाफोड़ कर सकें कि मैटर क्या है, ये लोग क्या चाहते हैं, विदेशों से आने वाले लोगों से ज़बरदस्ती क्वारंटाइन किया जा रहा है। बस ये वीडियो अचानक से मुझे बनाना पड़ा, बाहर आया था मैं, तो प्लीज़ आप सजेशन मेरे व्हाट्सअप नंबर पर ज़रूर दें, धन्यवाद।